सो हाई गाइज, हम निशांत सर एंड टुडे वी आर एट IIT बॉम्बे एंड अभी हम थर्ड ईयर के हॉस्टल के सामने थे. सो वी आर शूटिंग अ वीडियो जिसमें आई विल बी आस्किंग कोडिंग क्वेश्चन एंड थोड़े लाइक ऐसे बेसिक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन एंड इफ समवन इज एबल टू आंसर देम तो 1000 रुपीज़ देल गेट और जो बेसिक वाला क्वेश्चन है इफ दे आंसर दैट देन 200. तो अभी हमारे पास एक हमारा दोस्त है. Can you please introduce yourself? Hi, I'm Ashutosh Pankaj and I'm from Computer Science 3rd year. So we are asking a question. You are given a matrix. So tumhe isko spirally print karna hai. So you have to write a code for this and you have like 5 minutes because it's not that difficult. What I'm doing is ki yahan pe spiral mujhe print karna hai. To first ek 4 for loops honge. One goes right, the other goes down, the other goes left, the other goes upward again. Aur ye pure loop ke time we have to make sure ki jo mera like row or column hai that decreases by 1 every time taki ye spiral loop khatam ho jaye. Also these 4 loop needs to be repeated continuously. Ye 3x3 hai. Agar ye kuch n cross m hoga to this spiral has to go on. ठीक है. तो उसको करने के लिए what we do is we just simply keep count of the number of letters or number of this thing that we have printed and as soon as this crosses the total number of elements we just come out of the loop. So इसमें तुमने एक गलती कर दी है. हाँ. So what is that कि अगर तुम्हें ये तो तुम्हारा decrease होगा ये वाला variable. Right. But this variable should increase. Oh shit plus one ना. Yeah. Sorry. Yeah plus so equals two. So you have to just change this plus one and ये last वाला भी I think. Bottom one. Left वाला. हाँ ये plus one. Bottom left this ना. हाँ ये plus one. तो ये दोनों change करने हैं. बाकी तो code is perfectly right. Okay. So good job. अब तुमने थोड़ी सी गलती करी है तो वी कट 1000 में से थोड़ा सा बट यू वर एबल टू सॉल्व इट. सो कांग्रेचुलेशंस. तो यार अब वी हैव वत्सल, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो. हेलो गाइस, आई एम वत्सल. आई एम थर्ड ईयर CSE एट IIT बॉम्बे एंड आई एम विद निशांत हियर. एंड तो इन्होंने मेरे को बता दिया कि ही इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस. बट चलो, इनसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. ट्राई करते हैं, अगर करवाते हैं तो. यार तुम्हें एक एरे गिवन है, तुम्हें बताना है कि इनमें कोई 3 नंबर्स का सम इक्वल टू कुछ हो रहा है. यू हैव टू डू इट इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. ठीक है. यू हैव लाइक 5-7 मिनट्स. ठीक है. कोड करना स्टार्ट करो. ठीक है. एंड सूडो कोड चलेगा ज़्यादा, बिल्कुल सिंटैक्स की इज नॉट नीडेड. ठीक है. स्टार्ट. तो यार वत्सल के पहले तो भाई हैंड राइटिंग देखो तुम. नाइस. तो थोड़ा एक बार बता दो क्या किया है. ठीक है. तो मैंने ये करा है, बेसिकली 2-pointer अप्रोच करी है. एक मैं इनिशियली एक लो पॉइंटर रख रहा हूँ जो कि पहले सबसे पहले सॉर्ट कर दिया एरे को. ठीक है. एन लॉग इन में सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है. सही है. और फिर मैंने 2 pointer है, एक हाई पर, एक लो पे रखा, एक हाई पे रखा. ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो लूप हो रही है मेरी आउटसाइड लूप जो बेसिकली हाई और लो को बढ़ाएगी ताकि वो पास पास आए, और एक होगी इनसाइड लूप जो बेसिकली हाई और लो के बीच में चलेगी तो एन स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. और वो चेंज कैसे हो रहा है, बेसिकली ये कर रहा हूँ कि एक लो पॉइंटर है, हाई पॉइंटर है और एक तीसरी लूप जो लाइक थर्ड पॉइंट मान लेते हैं वो ऐसे है. अब अगर इन तीनों का सम मेरे टारगेट से कम है तो मैं बस अपने ये बीच वाले पॉइंटर को आगे, थर्ड पॉइंटर को आगे बढ़ाते रहूंगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है मेरा. ठीक है. और ये तब तक बढ़ूंगा जब तक वो हाई तक नहीं जाता. ठीक है. और अगर बीच में कभी इक्वल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, रिटर्न कर दो. और अगर मेरा कभी टारगेट से बड़ा हो गया तो बेसिकली मुझे हाई को कम करना है. ठीक है. और हाई को कम करके मैं फिर से ब्रेक करा, मतलब और मैं हर इस बेसिकली जब एक बार थर्ड, ये मेरा थर्ड पॉइंटर पूरा जा रहा है तो मैं एक लो को इंक्रीज कर दे रहा हूँ. और बस वो एक ये भी हो सकता है, मतलब लो को सब्ट्रैक्ट माइनस भी कर दिया. हाँ. अगर मैं जब मतलब बेसिकली टारगेट से बढ़ गया तो मुझे हाई को कम करना है पर लो को सेम रखना है. तो मैंने यहाँ पे लो को कम करा, यहाँ पे लो को बढ़ा दी तो लो सेम रहा. ओके. ठीक है. ठीक है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिंक मैसेज फ्रॉम टुडेज वीडियो स्पॉन्सर Cryo.do. अब Cryo.do क्या है यार, एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है. तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट करने से नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो. अब यार Cryo वर्ल्ड लीडिंग वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है. ठीक है. जो तुम्हें हेल्प करेगा फुल स्टैक एंड बैकएंड जॉब्स क्रैक करने में विद योर ड्रीम CTCs फ्रॉम 6-40 lakh rupees. यार विद 3000+ लर्नर्स एंड 500+ ग्रेड्स प्लेस्ड इन ग्लोबल MNCs, यूनिकॉर्न्स एंड हाइपर ग्रोथ स्टार्टअप्स लाइक Amazon, ग्रो, क्रेड, फ्लिपकार्ट, पेटीएम. Cryo के जो ग्रेड्स हैं उनको यार एटलीस्ट 89% हाइक मिल रही होती है ऑन एन एवरेज. Cryo में यार तुम एक डेवलपमेंट ऐसे एग्जैक्टली सीख रहे होगे जैसे तुम एक फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे होते हो. ठीक है. अब तुम कोई भी एक जब स्टैक चूज करोगे, चाहे फुल स्टैक हो या फिर बैकएंड डेवलपमेंट हो, उसके बाद तुम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे एंड रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने से तुम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे होगे एंड उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट गारंटी भी है, तुम एक अच्छे स्टार्टअप में, एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाओगे. एंड यार एक अमेजिंग बात ये भी है कि तुम इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे एंड यार प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद होते हैं रिक्रूटर्स को भी एंड तुम्हारी जो गिटहब प्रोफाइल है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगी. तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, तुम वहां पे जाकर अपना एक फ्री ट्रायल बुक कर सकते हो एंड उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम एनरोल कर सकते हो Cryo के किसी भी कोर्स में. सो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो तुम क्या कर रहे हो, इफ सम इज लेस देन
दिस देन टारगेट इफ सम इज लेस देन टारगेट देन कंटिन्यू ठीक है अगर बराबर हो के टारगेट के तो रिटर्न कर दो ओके तो अगर यही था तो फिर तुम लो यहीं पे कर सकते थे ना मतलब लो वाला माइनस माइनस यहीं डाल सकते थे इस कंडीशन की जरूरत ही नहीं थी अच्छा मतलब टारगेट तुमने थोड़ा सा डिफरेंट किया है इसमें मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकता है क्योंकि जनरली व्हाट वी डू इज हमने एक बाहर वाला लूप लगाते हैं जिसमें हर नंबर पे जाएंगे और बीच वाले पे हमने लगा दिया अपना टू पॉइंटर अप्रोच ताकि उससे हम निकालते रहे अच्छा। और एरे को उसमें छोटा करते रहे इसमें तुम कोई ना कोई कॉर्नर केस मिस करोगे क्योंकि तुम अपने डायनामिक जो मेन एरे है उसको डायनामिक राइज साइज रिड्यूस करते जा रहे हो अच्छा तो हो सकता है कि तुम्हारा एक नंबर जिससे सम बन सकता था तुमने पहले ही हाई कम कर दिया क्योंकि सम नहीं बन रहा था स्टार्टिंग का कुछ लेके टारगेट हो गया तो मैंने हाई को कम करा हाँ वही ना हाई को कम करा और लो को भी कम कर दिया दोनों कम नहीं होंगे एक साथ ठीक है ओके एंड और क्या हो सकता है ठीक है लुक्स गुड बट मेरे को अभी भी लग रहा है कि कुछ यहाँ पे हो सकता है बट आई एम नॉट गेटिंग द राइट वो बट ठीक है गुड अप्रोच मतलब इसमें टू पॉइंटर यूज करना था टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो इसने कर दिया है बाकी एक टेस्ट केस बनाना पड़ेगा वो भी नहीं करते हैं बट गुड जॉब यू वॉन 1000 रुपीज कैसा लगा चल इट्स डन आधे घंटे में 1000 रुपए कैसे कमाते हैं भाई हैंड राइटिंग की भी तारीफ हो गई वत्सल मस्त हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया एंड ये हमने देख लिया अभी एक नूर ने ये बोर्ड उठा रखा है भाई ये बोर्ड लेके जा रहे हैं सीधे कोई मान नहीं रहा था हमने सब यही करके देख लिया अब ऐसे भी करके देखते हैं उल्टी उंगली से घी निकालते हैं लॉजिक है तो लेट्स सी यस होपफुली वी विल गेट मोर ट्रैक्शन लाइक दिस एंड संडे को भी क्राउड हम इकट्ठा करके रहेंगे चलो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हाय आई एम अनिका जैन फ्रॉम एनर्जी डिपार्टमेंट I'm Asha Agrawal from Energy Department. I am Aditya Kumar Chaudhary from Meta Department. Coding question नहीं है तुम्हारे लिए. You have to tell 10 programming languages. Name करना है बस. नाम बताना है 10 programming languages का. I'll give you 200 if you can name them all. Java, Python, C, C++. नहीं आती मुझे. Try. मैं Java, C++, C, Ruby, Python. ठीक है. और HTML. HTML is also not a programming language. हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि The question is, you are given a 2D array. मैं बस बताना कि if it is a valid Sudoku or not. Okay. And इसमें जो empty values हैं that are given as 0. बाकी 1 to 9 तुम्हें numbers मिल रहे हैं. ठीक है? So you can start coding. ठीक है यार. So बताओ भाई क्या किया है? बारी code समझाओ थोड़ा. Basically एक check function लगाया जो bool output देगा. उसमें input ले लिया हमारे Sudoku का और कोई पर्टिकुलर इसमें पॉइंट का आई जी और वैल्यू का इनपुट दे देंगे एंड देन उसमें फिर एक बार रोज एंड कॉलम्स के लिए चेक करेंगे कि रो में कुछ रिपीट नहीं हो रहा उसके लिए अगर एन नॉट इक्वल टू आई मतलब यहाँ पे फॉर लूप चला दिया उसमें अगर सुडोकू आई कॉमा एन इक्वल टू सुडोकू आई कॉमा जो हमने इनपुट दिया अगर वो तो फॉल्स रिटर्न कर देगा एक गड़बड़ है ये एन इज नॉट इक्वल टू आई नहीं चेक करना यहाँ पे चेक करना है वैल्यू तो वैल्यू इज नॉट इक्वल टू करंट जो यहाँ पे होगी चेक इक्वल टू तो उसके लिए इनिशियलाइज करेंगे आई बाय 3 पे एंड वो चलेगा 3 प्लस आई बाय 3 तक एन और फिर एम भी इनिशियलाइज कर देंगे कि 2D array चेक करनी है और उसमें एक बार ये चेक कर लेंगे कि एन I के बराबर ना हो एम जी के बराबर ना हो ताकि वो सेम चीज को चेक ना कर ले और उसमें फिर प्लस चेकर लगा देंगे तो सही है ही डिड इट एंड काफी सही यू आर फ्रॉम व्हिच ब्रांच थोड़ा इंट्रोड्यूस करो केमिकल आई एम प्रथम फिंगर चलो तो केमिकल में है तो सही है सही है ही कैन ही वाज एबल टू डू इट करो नाइस भाई कैसा लग रहा है यार फीडबैक ऑन द क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन तो अच्छा ही था मजा आया करने में ठीक है बाकी आ जाओ यार आई निशान भैया के लिए क्या कहना है निशान भैया पैसे बांट रहे सबको अच्छा ही है नाइस ठीक है तो इस बार बोर्ड पे हमने थोड़े चेंजेस कर दिए हमने 200 रुपए लिख दिए हैं तो लेट्स सी कोई आता है क्या 200 रुपए जीतने के लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है यू हैव टू जस्ट नेम 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इफ यू कैन नेम देम आई विल गिव यू 200 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++, Python, Java,
जावास्क्रिप्ट, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, मैटलैब 6 आर 7 और 3 जे है ना, एंसिस नहीं, एंसिस नहीं होता कोडिंग कंपनी का नाम है एंसिस। अपने आपको इंट्रोड्यूस भी कर दो, जब तक सोचते रहो बैक ऑफ द माइंड। आई एम धीर, थर्ड ईयर स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग। चलो फिर, अरे यार दे देते हैं। सो यू वांट टू विन 200 रुपीस? ओके, आई विल ट्राई। यू हैव टू जस्ट नेम 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, जावा, डीजेंगो तो नहीं होगा, नहीं चार पांच ही आती है मेरे को बस, हवा निकल गई। सो हमें बहुत सारे फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स मिल गए हैं, राइट? एक बार इंट्रोड्यूस कर दो, नाम नाम बता दो। अश्वनी दुबे, भावेश तानान, हर्षदीप कौशल, कार्तिक वुथु, मोंटू पेगो, शिवम दास, माधव अग्रवाल। तो यार तुम मतलब अलग अलग ब्रांचेस से ही हो गए आई थिंक, है ना? तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक एक करके आंसर दे सकते हो, ठीक है? मिलके ग्रुप एक्टिविटी नहीं है, तो यू हैव टू नेम 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर तुम नेक्स्ट टाइम कर रहे हो तो तुम 11 बतानी पड़ेगी, क्योंकि एक बंदे ने पहले बता दिया है जितने भी बताए होंगे। सो हु वांट्स टू स्टार्ट? मरना तेरे को डर नहीं लगता? सो सी प्लस प्लस, जावा, नोड जे एस। नोड जे एस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई नहीं, और किसी का ट्राई करना है? हम तो केमिकल वाले हैं। चलो केमिकल वालों के लिए 6 बता दो। चलो 6 तो बता दो, चार दोस्त ने बता दी, 3 बता सकते हैं? सारी तो बता दी जितने आती थी। नाइस मीटिंग यार, नाइस ट्राई केमिकल के होते हुए भी। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अब तक नहीं किया है तो। अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे वीडियोस वगैरह चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हो। एंड डू चेक आउट cryo.do, ठीक है? फ्री ट्रायल तुम लेके देख सकते हो, फेलोशिप में जाके एनरोल करके देखो, 15 डेज ट्रायल लेके देखो। इफ यू लाइक इट यू कैन कंटिन्यू, एंड द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।